डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अपने मानवीय अधिकारों का हनन, खुलकर सांस न ले पाने का डर और मौके न मिलने के खीज को मन में दबाए आज भी कई लोग इस दुनिया में जी रहे हैं। उन्हीं की कहानी है निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी वेदा। इसमें गांव के प्रधान का क्रूर भाई बने हैं मेरठ के क्षितिज चौहान। क्षितिज ने अपना रोल इस तरह बखूबी निभाया है कि देखकर थप्पड़ मारने का मन कर जाएगा। इस फिल्म के मुख्य किरदार हैं जॉन इब्राहिम, सर्वरी और अभिषेक बनर्जी। पांडो नगर में अपने निवास पर क्षितिज चौहान ने आज firstbite.tv से अपने करियर व पढ़ाई और शौक पर विस्तार से चर्चा की। देखिए। मेरा नाम क्षितिज चौहान है, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूं और पिछले 6 साल से 2018 से मैं बॉम्बे में हूं। और मुंबई में मैंने अपनी करियर की शुरुआत 2021 में एक वेब सीरीज से की जिसका नाम है हुत्सपा, और वो सोनी लिफ्ट पे है एंड उसमें मैं वन ऑफ द लीड्स कैरेक्टर जो है प्ले कर रहा हूँ। उसके बाद 2024 में अभी हाल ही में 15 अगस्त को मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई है जिसमें मैं नेगेटिव लीड प्ले कर रहा हूँ, और पिक्चर का नाम वेदा है। निखिल आडवाणी सर ने उसको डायरेक्ट किया है। उसमें मेन लीड जो एक्टर हैं वो जॉन इब्राहिम सर हैं, और शर्वरी वाघ उसमें एक्ट्रेस हैं, और मेरे भाई भी हैं जो पिक्चर में प्ले कर रहे हैं जो अभिषेक बैनर्जी हैं, और हम सब ने एक मिल के एक बहुत ही समाज के लिए इम्पोर्टेंट फिल्म बनाई है। तो आप सब लोग देख के आइए, उस फिल्म को अच्छी लगेगी आप लोगों को। वैसे आपके दिमाग में कि फिल्मों में करियर बनाना चाहिए? मेरे दिमाग में ये ऐसे कुछ शुरुआत से प्लान नहीं था। पहले मैंने क्रिकेटर बनने का मन था, तो मैंने क्रिकेट खेला प्रोफेशनली 3-4 साल। फिर मैंने ड्रमिंग की, मुझे म्यूजिशियन बनना था। उसके बाद मैंने मॉडलिंग से शुरुआत की। फिर मुझे समझ आया कि अब एक फाइनल ऐसा एक स्टेबल जॉब चाहिए जहाँ पे आप अपना लॉन्ग टर्म करियर देख सकें, तो तब जाके मैंने एक्टिंग से शुरुआत की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।